तो आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला आएगा जो आपको फॉर्मूला हर जगह यूज़ करना है, आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार डेरिवेशन आ जाता है, पर मेनली जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। फिर भी एक बार करने का जो तरीका होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्यूनोट एक टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज इसलिए नाम रहा क्योंकि इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, इसी को हम यूज़ करके हमारा जो फॉर्मूला उसको डिराइव करेंगे। तो आप सभी कूलम्स लॉ को जानते हैं, कूलम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा। तो कूलम्स लॉ में फोर्स के बारे में बताते हैं, किसी दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला बता दो जो कूलम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा है। अब क्या होगा, अब इसमें तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, k यानी कि कॉन्स्टेंट, क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो हमने डिस्टेंस लिया है ए पॉइंट तक का वो कितना लिया, एक्स लिया है, क्योंकि जो क्यू नॉट चार्ज है वो ए पे रखा हुआ है ना, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने क्यू से माना है। तो क्यू से लेकर आप लोग डिस्टेंस देखें ए तक का तो कितना माना है, एक्स माना है, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो फिजिक्स में जो है पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है। अब वी ए भी चाहिए, वी बी भी चाहिए, तो वी बी को हम क्या मान लेंगे कि वी बी जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो वी बी का जगह जीरो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ वी ए चाहिए हमें, तो वी ए निकाल लेंगे, किसी एक पॉइंट पर निकालेंगे, नहीं तो हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी मान लें तो हम एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, आप सभी ने पढ़ा होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वी बी माइनस वी ए होता है, तो वी बी को हम मान लेंगे कि वो इन्फिनिटी पे है। जब वी बी को इन्फिनिटी मान लेंगे तो वी बी में जो पोटेंशियल यानी कि वी जो बी पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, जीरो। ध्यान रहे जो बी बता रहा हूँ वो स्मॉल बी है, जो बड़ा भी मैंने आपको शो करके डायग्राम में उसको नहीं मानना है, मैं स्मॉल बी की बात करूँ जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना इस चीज़ में। तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एफ डी एक्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स होता है। आई होप आपने जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको आपको याद होंगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किधर फोर्स लग रही है, अगर वो निकाल लें तो वर्क डन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, क्यू से लेकर ए की तरफ लग रही है, फोर्स लग रही है ए की तरफ, और हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बी की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो थीटा होगा कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जो कोस 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, वो कितना होता है, माइनस वन, कोस 180 माइनस वन होता है, तो हम यहाँ पे माइनस वन रखेंगे। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी आप उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो माइनस लगेगा, तो इसलिए वर्क डन जो होगा वो माइनस के एफ डी एक्स हो जाएगा। अब हमने स्मॉल वर्क डन लिया कि डी डब्ल्यू, यानी कि छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं, छोटा सा डिस्टेंस, हमें हल्का सा डिस्टेंस डी एक्स कवर कर रहे हैं, तो उसमें छोटा सा वर्क डन लगेगा। अगर हम सारे वर्क डन को निकालें, टोटल वर्क डन को, तो हम सारा जो काम हमने करा है पी पॉइंट पर लाने के लिए हम निकाल सकते हैं। तो टोटल जो वर्क डन आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ। अब जो एफ है, एफ कितना है, आप सभी जानते हैं, एफ का फॉर्मूला मैंने कुछ शुरू में बताया था, कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय स्क्वायर होता है, तो हमें क्या लगेगा, क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम रख देंगे इसके लिमिट्स। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, देखिए जो पॉइंट है इन्फिनिटी से हमें लाना है, जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से पी तक, अब पी जो है वो क्यू से आर डिस्टेंस दूर है, तो क्या देखेंगे इन्फिनिटी से लेके आर तक। ध्यान रहे आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आई होप मैंने क्लास लेवल में सीखा होगा, है ना, और आपके ट्वेल्थ में तो है ही वैसे सिलेबस में, पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सीख लिया थोड़ा सा, तब आप इसको कर सकते हैं। तो हम लिमिट रखते हैं इन्फिनिटी से आर तक। अब देखिए जो के है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट वो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया है, क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स हो गया। अब यह ध्यान रखिए जो क्यू वन क्यू टू वो भी एक कॉन्स्टेंट है, भाई चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता, तो भी कांस्टेंट है, तो भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1/x² डी एक्स करेंगे। अब 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के 1/x, ठीक है, 1/x² डी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, तो उसे अगर आप +1 करेंगे अपॉन -1 करेंगे तो हमारे पास 1/x आ जाएगा माइनस के, तो ये जाएगा माइनस के 1/x, लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, बस सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ती है, तो हमने कर दिया। अब देखिए आप जो माइनस के क्यू वन क्यू टू है ये बाहर जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू वन क्यू टू इंटू क्या हो जाएगा, 1/r - 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1/r - 1/∞। अब जो 1/∞ होता है कितना, जीरो होता है, 1 को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आता है, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो हमारे पास क्या आ गया, आगे हमारे पास वर्क डन, हमने अभी वर्क डन हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो वी हम निकालेंगे तो वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो वर्क डन कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो अगर हम यहाँ से क्यू वन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू बाय आर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर।
तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखना है, और इसी के बेसिस पर आप सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे बोर्ड में, अगर डेरिवेशन आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है, वैल्यू होती है आपको पुट करनी पड़ेगी, आपको समझ आए कैसे डेरिवेशन करना है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके बाद आप इसे डिराइव कर सकते हैं।